नमस्कार, मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी .com आप देख रहे हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे बड़ी खबरों को बताने का। विधानसभा चुनावों के चलते बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज प्रचार अभियान में उतरे हुए हैं। आज हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दोनों ही आमने सामने थे। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अभी बिखरे हुए हैं, कुंभों में बटे हुए हैं। वह जितना अपने आप को समेटने की कोशिश करते हैं, उन्हें इतना ही बिखरते चले जाते हैं। पीएम ने लोगों को पूछा कि क्या आप ऐसे बिखरे हुए लोगों को हरियाणा की कमान सौंपेंगे। पीएम मोदी ने अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि सिर्फ 5 महीने हुए हैं मेरी सरकार दोबारा बने और फिर मैंने कितने बड़े बड़े फैसले ले लिए हैं। मैं आर्टिकल 370 के फैसले की बात कर रहा हूं। ये हरियाणा की नहीं पूरे देश की भावना थी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलगाववाद और हिंसा के रास्ते से निकालकर प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाया जाए। पीएम मोदी ने यह भी पूछा कि इस फैसले का श्रेय मोदी को नहीं बल्कि वल्लभगढ़ के लोगों को और देश की 130 करोड़ जनता को जाता है, जिससे मुझे अपना जनादेश दिया। जिनको इस फैसले से परेशानी है वो तिल मिलाए हुए हैं। ये लोग विदेश में जाकर मदद मांग रहे हैं, इनको नींद नहीं आती है, इनके पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को आर्टिकल 370 और 35 ए से इतना ही मोह है तो इनका आज आह्वान करता हूँ, हिम्मत के साथ हरियाणा के लोगों के बीच में जाओ और बताओ कि आप चुनाव जीते तो 370 वापस लाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी में भी ताकत है 370 को वापस लाने की तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखें कि जीतने पर वे इसे वापस लाएंगे। 3 तलाक पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले लोग सोचते थे कि अगर मेरी बहन बेटी 3 तलाक के बाद घर वापस आ गई तो उसका क्या होगा। कांग्रेस मुसलमान की बात सोचकर चुप रहती थी, लेकिन अब मुसलमान पुरुष भी खुश हैं कि उनकी बहन बेटियां सब सुरक्षित है। 3 तलाक कानून बनने से अब सिर्फ विरोध और प्रतिरोध की राजनीति नहीं चलेगी, देश अब सिर्फ विकास चाहता है। भाजपा के लिए उनका संकल्प पत्र समर्पण का दस्तावेज होता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और चुनावी प्रचार के समंदर में सभी नेता कूदे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद के नूह में रैली की तो वहीं राहुल गांधी ने भी नूह में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। गुरुग्राम से सटे नूह में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की मनोहर लाल सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल मोदी जी और खट्टर जी के भाषण में केवल झूठे वादे सुनाई देते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, किसान कल्याण और रोजगार को लेकर सरकार के पुराने वादों को भी फर्जी करार दिया। भाजपा के साथ साथ राहुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी हमलावर नजर आए। कांग्रेस सबकी पार्टी है और देश को जोड़ने का काम करती है, तो वहीं भाजपा और आरएसएस अंग्रेजों की तरह देश को तोड़ते हैं। उन्होंने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान का उदाहरण देते हुए सभा में मौजूद लोगों को आश्वासन दिया कि वो मन से जो कुछ भी बोल रहे हैं उनका क्रियान्वयन भी होगा, यानी कि एग्जीक्यूट भी होंगे। राहुल ने यह दावा भी किया है कि मन से जो कहते हैं उसे करके भी दिखाते हैं। एक तरफ देश के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और दूसरी ओर पीएम मोदी एक के बाद एक झूठे वादे कर रहे हैं। पीएम मोदी के खास रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर राहुल ने कहा कि वो हर 10वें दिन मन की बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना काम की बात कर ली जाए। राहुल ने लोगों से यह भी कहा कि भाजपा और आरएसएस सभी को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। वो अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, हरियाणा महाराष्ट्र और ऐसे ही किसी ना किसी के बीच फूट डालते हैं, जिसका नतीजा आपको दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि इस मामले में हिंदू पक्ष से नहीं बल्कि सिर्फ हमसे ही सवाल किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष 38वें दिन इस सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यानी चीफ एडवोकेट राजीव धवन ने यह टिप्पणी की है। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति A.S. बोबड़े, न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति S. अब्दुल नजीर शामिल है। धवन ने कहा कि माननीय न्यायाधीश ने दूसरे पक्ष से तो सवाल किए ही नहीं, सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ हमसे किए जा रहे हैं, निश्चित ही हम उनका जवाब देंगे। धवन ने इस कदम का और रामलला का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता C.S. वैद्यनाथन के जरिए जोरदार प्रतिवाद किया और कहा कि यह पूरी तरीके से अनावश्यक है। धवन ने यह टिप्पणी भी की है कि उस वक्त की जब संविधान पीठ ने यह कहा है कि विवाद स्थल पर लोहे की ग्रिल लगाने का मकसद
बाहरी बरामद से भीतरी बरामदे में आने का अलग करना था। कोर्ट ने कहा कि लोहे का ग्रिल लगाने का मकसद हिंदू और मुसलमानों को अलग करना था, और यह तथ्य सराहनीय है कि हिंदू बाहरी बरामदे में पूजा अर्चना करते थे, जहां राम चबूतरा सीता रसोई भंडारा गृह थे। सुप्रीम कोर्ट में धवन ने इस कथन का भी संज्ञान लिया है कि हिंदुओं को सिर्फ अंदर प्रवेश करने और स्थल पर पूजा करने का निर्देशात्मक अधिकार था, और इसका मतलब यह नहीं था कि विवादित संपत्ति पर उनका मालिकाना हक था। पीठ ने सवाल किया है कि जैसे कि आपने कहा है कि उनके पास प्रवेश और पूजा अर्चना का अधिकार था, क्या ये आपके मालिकाना अधिकार को कमतर नहीं करता? संविधान पीठ ने यह भी कहा है कि संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के मामले में क्या किसी तीसरे पक्ष को प्रवेश और पूजा का अधिकार दिया जा सकता है। लंबी छुट्टियों के बाद संविधान पीठ ने सोमवार को 38वें दिन इस प्रकरण पर सुनवाई शुरू की थी, जो कि 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी, और उसके बाद इस मामले पर फैसला आएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने एंटी टेररिज्म स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुखों नेशनल सेमिनार के लिए आयोजन किया था। कॉन्फ्रेंस में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर अहम खुलासे किए गए थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजीत डोभाल ने सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि NIA ने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जो प्रभाव डाला है वह किसी भी अन्य एजेंसी की तुलना में। NSA ने आगे बोलते हुए कहा कि यदि किसी अपराधी को राज्य का समर्थन प्राप्त है तो एक बड़ी चुनौती बन जाती है। कुछ राज्यों को इसमें महारत हासिल है। हमारे मामले में पाकिस्तान ने इसे अपनी राज्य की एक नीति बना लिया है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश की खूंखार आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और भारत में लगातार सक्रिय हो रहा है। भारत के 4 राज्यों में यह संगठन अपनी गतिविधियां बढ़ा चुका है। NIA केस के केडार की पक्की जानकारी मिल चुकी है। NIA के DG VS मोदी ने कहा कि 125 संदिग्धों की सूची राज्यों को सौंपी गई है। NIA ने पिछले 10 सालों से ISIS और जिहादी कार्रवाई, टेरर फंडिंग सहित कई क्षेत्रों में इस मामले की जांच की है। NIA के IG आलोक मित्तल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंक के वित्त पोषण के मुख्य मामले में पेशेवरों के संगठनों और शीर्ष अलगाववादी नेताओं के प्रमुखों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। अब तक किसी को भी जमानत नहीं मिली है। उन्हें प्रेषण और हवाला स्थानांतरण के माध्यम से पाकिस्तानी उच्चायोग से वित्त पोषण यानी फाइनेंस किया जाता था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पंजाब में आतंकवादी गतिविधि को पुनर्जीवित यानी रिजुविनेट करने के लिए सीमा पार से लगातार अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं। 16 व्यक्तियों को 8 मामले में हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया है। खालिस्तान रिवॉल्यूशन फोर्स को इसमें शामिल पाया गया है। इसके लिए UK, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग की जा रही है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इससे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री को शांति के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। 2019 का इकोनॉमिक्स का नोबेल भारतीय मूल के अभिजीत बैनर्जी, उनकी पत्नी एस्थर ड्रूफ्लो और माइकल क्रेमर को दिया गया है। अभिजीत, एस्थर और माइकल को वैश्विक गरीबी कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अभिजीत बैनर्जी अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के यानी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। बैनर्जी ने संयुक्त रूप से अब्दुल लतीफ जमील प्रॉवर्टी ऑक्सीजन लैब में स्थापना की थी। अभिजीत का जन्म 21 फरवरी 1961 को कोलकाता में हुआ था। इनके माता पिता निर्मला बैनर्जी कोलकाता के सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेस में प्रोफेसर थे। पिता दीपक बैनर्जी रेजिडेंसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। इससे पहले 1998 में अमृत्या सेन को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बैनर्जी की स्कूलिंग कोलकाता के साउथ पॉइंट स्कूल में की गई, फिर ग्रेजुएशन कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में की गई। इसके बाद से 1983 में इकोनॉमिक्स में MA जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद में 1988 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की। अभिजीत में इकोनॉमिक्स की कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने पहली किताब 2005 में लिखी थी, और तब से लेके अब तक अभिजीत बैनर्जी ने कुल 7 किताबें लिखी हैं, और आज यही किताबों का। हरियाणा के खरखौदा की रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने CM मनोहर लाल खट्टर के बयान पर कड़ी निंदा व्यक्त करते हुए उनसे माफी की मांग की है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि खट्टर का बयान बहुत निम्न स्तर का है, और यह भाजपा का महिला विरोधी चरित्र दिखाता है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता दवे ने CM खट्टर के बयान को अंतर्राष्ट्रीय और असंसदीय बताया।
तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन राउत ने भी खट्टर के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने ट्वीट में कहा है कि भाजपा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया बयान न केवल अशोभनीय और निम्न स्तरीय है बल्कि ये भाजपा के महिला विरोधी चरित्र को भी दर्शाता है। हम बयान की निंदा करते हैं और उनसे अतिशीघ्र माफी की मांग करते हैं। माफी मांगो खट्टर हैशटैग का प्रयोग करते हुए कांग्रेस ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट करते हुए मनोहर लाल खट्टर और भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपने तुज्य शब्द और बयान, महिलाओं के अपमान और सामाजिक सोच के लिए मुख्यमंत्री खट्टर को देश की समस्त महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने भी बयान जारी कर उनसे माफी की मांग की है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि आपकी भद्दे टिप्पणी से आपकी मानसिकता और नागरिकता का पता चलता है, महिलाओं के प्रति आपकी सोच को दिखाता है। इस मानसिकता के साथ ही आप सीएम थे तो कोई आश्चर्य नहीं था कि प्रदेश में महिला सुरक्षा के इतने बुरे हालात हैं। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन राउत ने भी सीएम खट्टर को खच्चर कह डाला। पार्टी ने सीएम के बयान की निंदा करते हुए कहा कि यह निम्न स्तरीय है और बीजेपी के महिला विरोधी चरित्र को साफ तौर पर दिखाता है। इसके अलावा कांग्रेस ने खट्टर से अपने बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी के पास आज सड़क हादसे में कार सवार 4 हॉकी खिलाड़ियों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार इटारसी थाना क्षेत्र के रिसलपुरा गाँव के पास तेज गति से जा रही एक कार अनकंट्रोल होकर सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। इस वजह से 4 खिलाड़ियों की मौत हो गई है और 3 से ज्यादा घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये सभी राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी थे। हाल फिलहाल तक मिली जानकारी के मुताबिक ये 4 खिलाड़ी यहाँ हॉकी के टूर्नामेंट में मैच खेलने जा रहे थे। इनमें से एक खिलाड़ी का जन्मदिन भी था और बताया गया है कि वे सभी अपने साथी का जन्मदिन मनाने के लिए कल रात इटारसी गए थे और वहां से वापस लौटते समय वो हादसे का शिकार हो गए। मृतकों की पहचान शहनवाज हुसैन निवासी इंदौर, आदर्श हरदुआ इटारसी, आशीष लाल जबलपुर और अनिकेत वर्ण ग्वालियर के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 4 हॉकी खिलाड़ियों के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए इस हादसे में घायल खिलाड़ियों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी ईश्वर से की है। उन्होंने लिखा है कि रसूलपुर गांव के पास हादसे में 4 खिलाड़ियों के निधन की घटना से मैं बेहद दुखी हूँ। खिलाड़ियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायलों का समुचित इलाज सरकार मुहैया कराएगी और प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद भी की जाएगी। तो वहीं भाजपा के उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में जान गंवाने वाले हॉकी खिलाड़ियों पर भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि रसूलपुर होशंगाबाद में ध्यानचंद ट्रॉफी में खेले जा रहे हॉकी खिलाड़ी शाहनवाज खान, आदर्श हरदुआ, आशीष लाल और अनिकेत की सड़क दुर्घटना में मौत से ये बहुत ही दुखद समाचार है और इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति। देश की सबसे बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।